नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब इतना ज्ञान बांटते हैं, इतना ज्ञान बांटते हैं कि आप घर बैठे ही ज्योतिषी बन जाते हैं। अब लोगों के फोन कॉल जो आते हैं ना, वो ये बोलते हैं कि हमारा चंद्रमा जो है ना चौथे हाउस में बैठा है, तो उसका उपाय बता दीजिए, हमारे पास पैसा कैसे टिके। मतलब उनके ही प्रोग्राम देख के वो मतलब खुद ही ज्योतिषी बन गए। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो अच्छा लगता है कि घर बैठे ज्ञान आ रहा है, घर बैठे हम लोग समझदार हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि हमें किस ज्योतिषी के पास जाना चाहिए, किस एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। जैसे कि पिछले एपिसोड में प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब ने बताया कि धनु लगन के लोग अगर चुप रहें, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, तो वो लोग राइज करते हैं, वो लोग तरक्की करते हैं। तो उनकी बात अभी आधी अधूरी ही रह गई, क्योंकि उन्होंने एक पहले घर से लेके छठे घर तक ही उन्होंने बताया। अभी सप्तम हाउस इनकम्प्लीट है, अष्टम बैठा है, नौवां हाउस, दसम, इलेवंथ, ट्वेल्थ, अभी बहुत सारी ज्ञान की बातें हम उनसे लेंगे। क्योंकि धनु लगन किस चीज़ का है जी? गुरु का है। गुरु है तो अच्छा लगता है, ज्ञान आता है, समझदारी आती है। तो हम पहले उनका स्वागत कर लेते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं कि धनु लगन के लोग कैसे होते हैं, उनका लक्की कलर कौन सा होता है, लक्की डे कौन सा होता है, वो कैसे तरक्की कर सकते हैं। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपने धनु लगन को इतना इंटरेस्टिंग कर दिया, अब हर एक व्यक्ति की जो इच्छा है ना, वो सुनने की हो गई है कि हाँ धनु लगन हो रहा है, कि हाँ कनाडा में भी थोड़ा सा किया धनु लगन, इंडोनेशिया में भी किया, अब तीसरी बार गुरु लेके आया है इंडिया में, यानी कि गुरु अब चेंज हो गया गुरु चेंज का, सही बात है, सही जी बात है। जी, धनु लगन अब सप्तम हाउस में धनु लगन की, अभी सप्तम हाउस की स्टार्टिंग करनी है हमने। सप्तम हाउस में अगर कौन सा ग्रह बैठा हो, कैसे होते हैं धनु लगन के व्यक्ति, और कैसे ये अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और अगर वर्किंग जॉब में है तो वो कैसे जॉब अच्छी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने वही पिछला एपिसोड ही आगे ले आए, मैंने सोचा कुछ क्या पता क्या नई बात पूछेंगे उसके बारे में बताऊं। चलो, इन्होंने भी यही समझा, इन्होंने अपनी ड्यूटी समझी कि जो बात अधूरी रह गई थी पिछले एपिसोड की वो मैं पूरी कर दूं। बहुत अच्छा लगा मुझे ये, इन्होंने याद रखा मुझे, तो मैं भूल गया था, दो तीन दिन हो गए थे हमारे जी, और जी, तीसरे दिन बाद जी प्रोफेसर, अभी रोकना चाहूंगी आपको। धनु लगन के लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कुछ ना कुछ नया जानने की, ये लोग जल्दी अक जाते हैं हर चीज़ के ऊपर, लेकिन अगर कुछ ज्ञान मिल रहा हो, कुछ समझदारी की बातें हो रही हो, तो वो चीज़ जानने की क्यूरियोसिटी रहती है, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपका है ये धनु लगन, तभी बोलना चाहते हो धनु लगन हो, ठीक है, आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, तो समझदारी की बातें हैं, तो अच्छा लगता है कि एक ही, अगर एक ही लगन है तो उसके ऊपर 10 एपिसोड भी, 10 क्या 50 एपिसोड हो सकते हैं। मतलब इतना ज्ञान आपके पास भरा पड़ा है, आप समुंदर हो, तो हमने अगर एक बार बाल्टी आपसे निकाल भी ली है तो फर्क नहीं पड़ना आपको जी। बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने, धनु लगन पहले मैं आपको 6 हाउस के बारे में बता चुका हूँ पिछले एपिसोड में। अब सप्तम घर में उसकी मिथुन राशि आ जाती है, बहुत ध्यान से सुनिए, सप्तम हाउस में मिथुन राशि आ जाती है, तो जो बुध है वो गुरु को पिता मानता है, यानी कि जो गुरु है बुध को अच्छा नहीं समझता, इसलिए सप्तम हाउस किसका होता है? हस्बैंड का। सप्तम हाउस किसका होता है? लाइफ पार्टनर का। सप्तम हाउस किसका होता है? बिजनेस पार्टनर का, और डेली इनकम का भी, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, धनु लगन की डेली इनकम अच्छी नहीं होती, धनु लगन की पार्टनरशिप नहीं बनती, क्यों? क्योंकि गुरु कहता है ये बुध मेरा नहीं पुत्र है, तो बुध कहता है ये मेरा पिता ही है, तो इसलिए बुध यानी कि सप्तम हाउस, यानी कि अगर किसी लड़की का है तो उसका हस्बैंड उसको करेगा, लेकिन उन गुस्से के साथ हस्बैंड वाइफ के साथ तो तकरार, तो तकरीबन जितने भी लगन हैं वो एंटी ही होते हैं, जैसे कि मिथुन लगन है तो धनु आ जाएगा, तो मेष लगन है तो तुला राशि आ जाएगी, अगर ऐसे ऐसे एंटी राशि ही आती हैं, जैसे कर्क राशि है तो शनि की राशि आ जाती है, ऐसे एंटी राशि ही होती है, लेकिन धनु लगन जो है डेली इनकम के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनिए, डेली इनकम इतनी अच्छी नहीं होती, इनकम फिक्स ही उनकी अच्छी आती है धनु लगन वालों की, लेकिन डेली इनकम के लिए वो अच्छा नहीं होता। हाँ, रही बात पार्टनर की, पार्टनर के साथ भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है धनु लगन वालों की, और अब बात आती है अष्टम भाव की, अष्टम भाव में आ जाती है कर्क राशि, कर्क राशि किसकी होती है? पानी की, तो अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, अष्टम भाव आयु का होता है, इसलिए धनु लगन गुरु का लगन होता है, तो जो गुरु का मित्र है
चंद्र। आयु इन लोगों की बड़ी होती है लेकिन पैतृक संपत्ति के लिए इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि चंद्र की राशि है बहाव जल्दी से देती है और जल्दी से छीन लेती है। कहते हैं कि पैतृक संपत्ति मिलेगी मिलेगी, जैसे ही मिलती वैसे ही चली जाती है। धनु लग्न वालों को पैतृक संपत्ति का सुख नहीं मिलता, बहुत ध्यान से सुनिए। और आयु लंबी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो आयु का कारक है यहाँ का शनि है, अष्टम भाव का जो कारक है उसका मालिक है शनि, तो शनि गुरु से प्यार करता है, स्नेह करता है, इसलिए आयु को बढ़ा देता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप ज्योतिष में नहीं जानते। राशि का फल अलग से होता है, कारक का भाव अलग से होता है। अगर कहीं कारक ही वहाँ पे बैठा हो, अकेला बैठा हो, कहते हैं कारक भाव भाव नश्य, उस ग्रह का कारक अगर वहाँ पे बैठ जाए तो भाव का नाश करता है। लेकिन आपको ये चीज़ समझा दूँ, अगर शनि धनु लग्न में अष्टम में बैठा हुआ है तो परिवार का सुख कहीं ना कहीं से मिल जाता है। वो कैसे? क्योंकि वो दूसरे घर को देख रहा है, अपने ही घर को, ना कि शनि जहाँ पे बैठता है उसकी वृद्धि करता है, जहाँ पे देखता है उसका नाश करता है। लेकिन शनि अपने घर का कभी नाश नहीं करता, ये बात आप ध्यान में समझ लीजिए। कोई भी ग्रह, जैसे कहते हैं ना, अगर शनि बैठा हुआ है इनका, अगर शनि 11वें 12वें भाव में बैठा है तो दूसरा घर किसका होता है? दूसरा घर होता है धन का, दूसरा घर होता है परिवार का। तो ये धन इनको मिल ही जाता है, धन इनका संचित हो ही जाता है क्योंकि शनि अपने घर का नाश नहीं करता। तो धनु लग्न वालों को अगर शनि दूसरे भाव को देख रहा है तो उनका कहीं ना कहीं धन जुड़ा रहता है, परिवार के साथ बनी रहती है। लेकिन मकर राशि परिवार के साथ नहीं बनने देती, जुबान अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर शनि की दृष्टि वहां पे आ जाए तो अच्छी हो जाती है, अपने घर का शनि नाश नहीं करता। हाँ, आई साइड जरूर वीक हो जाती है क्योंकि मकर राशि वहां पे आ जाती है तो पहले दाई आंख कमजोर होगी फिर बाई आंख कमजोर होगी। आंख कब कमजोर होगी? जब बुध की आती है दशा। बुध की कब आती है? जब 23-34 साल के होते हैं धनु लग्न वाले, तो आई साइड की शिकायत आनी शुरू हो जाती है। मेरे अंदर तो भीतर बहुत सारी बातें हैं, तो बातें बताता रहूंगा लग्न के बारे में, तो ऐसे ही एपिसोड चलते रहेंगे। थोड़ा सा शॉर्टकट में बताता हूँ, धनु अब 9वें घर में, धनु राशि, धनु लग्न में राशि कौन सी आ जाती है 9वें घर में? सिंह राशि आ जाती है। फिर बोला वही बात, अग्नि राशि 9वें घर में अग्नि राशि आती है तो सिंह राशि आती है। तो ऐसे लोग, वो उनकी राशि सिंह किसकी है? सूर्य की। ऐसे लोग सूर्य देव को मानने वाले हो जाते हैं, भाग्य सूर्य देव ही जगाते हैं। अगर सुबह उठ के किसी और के दर्शन मत करें, आंखें खोले सीधा ऊपर जाकर सूर्य के दर्शन करते हैं ऐसे इंसान, तो इनकी जिंदगी का सूर्य जाग जाता है। किस्मत खोलने यानी किस्मत का ग्रह इनका सूर्य देव होता है, तो माणिक जरूर पहनना चाहिए। तो इनके लिए लकी कलर रेड मेहरून लकी कलर होते हैं रेड, क्योंकि भाग्य का कारक कौन है? सूर्यदेव। तो सूर्यदेव इनके भाग्य में राशि लेकर बैठे हुए हैं, तो इनका लकी कलर ऑरेंज रेड, और ऑरेंज और रेड कलर लकी। लेकिन अगर ये लगन का कलर डालें, येलो कच्चा पीला कलर डालें, तो और भी ज़्यादा बेहतर बना देते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, धनु लग्न में सिंह राशि आती है तो भाग्य उदय 22 साल की उम्र में ही हो जाता है इनका, तो 22 साल की उम्र में वर्किंग करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे बंदे काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी संघर्ष की जिंदगी 22 साल में शुरू हो जाती है इनकी, और भाग्य इनका जाग जाता है। कहते हैं जब भी संघर्ष करना, कहते हैं जब इंसान उठा तो जाग गया, इसीलिए जब वो भाग्य उदय होता है 22 साल में, जैसे ही 22 साल आता है तो इंसान उठना वर्क करना शुरू कर देता है, तो भाग्य इनका जागना शुरू हो जाता है। देखिए भाग्य में राशि आई सूर्य की, सूर्य कौन है? पिता। पिता का आदर सम्मान मान करें, ऐसे लोग पिता के पैरों को हाथ लगाएं, ऐसे लोग सूर्य नमस्कार करें, ऐसे लोग सुबह जल्दी उठे तो भाग्य बहुत जल्दी जाग जाता है। धनु लग्न के लोग लेजी होते, सुबह जल्दी उठते नहीं है। चलो अब बात आई कर्म के घर की, कर्म में कन्या राशि आ जाती है। कन्या राशि क्या होती है? कर्म इनका, जैसे कि मान लीजिए काम करना शुरू कर दिया,
छोड़ दिया, फिर करना शुरू कर दिया, कभी फिर बोल गए कहीं यूँ कहीं जाना, यानी कि काम में दिल लगा के काम नहीं करते। इनका मन उखड़ जाता है काम से, यानी कि पहले इनका दिल करेगा मैं काम करूं बहुत अच्छा, मैं काम कर रही हूं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूं, उसके बाद जैसे ही काम करना शुरू किया इनका दिल करता उठ के चले, क्योंकि चार पाँव हैं नीचे, जैसे घोड़े के पाँव टिककर नहीं बैठ सकता, काम करते करते उठ के चले जाएंगे फिर आगे काम करना शुरू कर देंगे। काम में इनका मन बहुत कम लगता है, लेकिन अगर हर दफ़ा इनको नया काम दिया जाए फिर बहुत इंटरेस्ट से करते हैं। ऐसे बंदे काम को, इनको क्या करना चाहिए, हर रोज़ एक नया काम देना चाहिए ताकि इनका इंटरेस्ट बना रहे। अगर एक ही काम में लगे रहे तो इनका काम से मन उखड़ जाता है। देखिए कन्या राशि क्या का प्रभाव, क्योंकि कन्या राशि आती है बुध की, तो बुध हो गुरु का दोस्त मानता है, लेकिन गुरु बुध को दुश्मन मानता है, बुध को अच्छा नहीं समझता, दुश्मन ही मानता अच्छा नहीं समझता, इसलिए कर्म की ओर से इतना अच्छा घर नहीं होता। हाँ अगर जॉब करते हैं तो जॉब कहते हैं नौवां घर, केपी क्या कहती है भाई, पिता का नौवां घर, तो जॉब भी नौवां घर को ही ज़्यादातर देखा जाता है। तो जॉब करते हैं तो सूर्य इनकी किस्मत चमकाता है, लेकिन अगर कोई अपना वर्क करते हैं तो हर वर्क में अपने के लिए वो दिखाते रहें, नई बातें बताते रहें, तो इनका मन लगा रहता है। क्यों शिफाली जी, सच बताइए जी, जी बिल्कुल। आपके कर्म के लिए तो मन कैसा है, कर्म के लिए आपको नई चीज सीखने की आदत जी क्रोसटी बनी रहती है, बनी रहती है बिल्कुल। अब आई बात तुला राशि, तुला राशि लाभ स्थान में आ जाती है, जो कि गुरु का दुश्मन शुक्र, बहुत ध्यान सुनिए, मैंने पहले बताया छठा हाउस में शुक्र की मूल त्रिकोण राशि होती है, यानी कि वृष राशि होती है, लेकिन शुक्र की दूसरी राशि तुला राशि आ जाती है ग्यारहवें भाव में, लाभ इच्छाओं की पूर्ति रहती है ऐसे इंसान को, मैं नई चीज़ लूँ, क्योंकि शुक्र कौन सा, खुशबू, शुक्र सुंदर चीज़ें, इच्छाओं का घर ग्यारहवां भाव, तो इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये बंदे अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ये बंदे कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, हर दफ़ा इनकी इच्छाएं चेंज होती रहती हैं, क्योंकि तुला राशि इच्छाएं हमेशा ये इंसान रखते रहते हैं। तो अब बात आई बारहवें हाउस की, बारहवें हाउस में आती है मंगल की खराब राशि, तो नींद के लिए ये मंगल का, मंगल इसके कौन सा घर आगे, इसका पंचम हाउस का मालिक मंगल और बारहवें घर का मालिक मंगल, बारहवें घर में जब कभी मंगल की राशि आ जाती है तो बारहवां घर होता है हमारा किसका होता है, विदेश यात्रा का, बारहवां घर किसका होता है भाई, बारहवां घर हमारे साइंस का, बारहवां घर किसका होता है, हॉस्पिटल का, बारहवां घर के लिए ये राशि अच्छी होती है, बाहर विदेश यात्रा भी जाने देती, हॉस्पिटल नहीं जाने देती, जेल यात्रा भी करने देती, तो बाहर जाने के लिए इनको जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं वहाँ पे शनि आकर बैठ जाए तो विदेश जाना बन जाता है, अगर कहीं मंगल ही आकर बैठ जाए तो विदेश रुकावटें पड़ जाती हैं, अगर कहीं बुध आ जाए तो और भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो अलग अलग राशि बैठी है उसका प्रभाव अलग होता है, ग्रह बैठा है उसका प्रभाव अलग होता है, ये तो मैंने बताया घरों का। अब शेफाली जी ने बोला था इसका लकी नंबर क्या होता है, धनु लग्न का मैंने बोला कि लकी घर हम किसको मानते हैं, नौवें घर को, तो नौवें घर में जो भी जैसे कि पंचम घर को और नौवें घर को, इसका लकी नंबर 1 और 5 लकी नंबर होते हैं, लेकिन धनु लग्न का जो लकी कलर मैंने बताया वो होता है मेहरून कलर, रेड कलर, ये लकी कलर होते हैं, ऑरेंज कलर, लेकिन इनके लिए अच्छा कलर, सोबर कलर इनके लिए वाइट और क्रीम कलर ये पहन सकते हैं, ऑफ कच्चा पीला भी ये पहन सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है जी। प्रोफेसर साहब कई बार हम लोग जब एपिसोड डालते हैं तो लोग मुझे कमेंट करते हैं कि विशिफाली जी आज आपने ब्लैक क्यों डाला, ग्रीन क्यों डाला, इसके पीछे भी आप थोड़ा सा रीज़न बता दीजिए। बिल्कुल, आप सबको मैं जी बहुत अच्छा भैया शिफाली जी आपने, मैं आप सबको बता दूं जब भी हमने एपिसोड करना होता है तो पीछे हमारा डायरेक्टर खड़ा हुआ है, वो कहता है भी मैं नहीं एपिसोड करूंगा, पहले ये लाइट कपड़े उतारो, आपकी पिक्चर नहीं दिखाई देगी, इसलिए हमें जैकेट अवेयर करनी पड़ती है, काला काला कपड़ा पहन पड़ना पड़ता है, वो भी सिर्फ 15-20 मिनट के लिए, जितना हम कभी भी ग्रीन ब्लैक ब्लू कपड़ा बिल्कुल नहीं डालते, जो हमारे ऑफिस में आते हैं उनको पता है, जो हमारे साथ रहते हैं उनको पता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम शूट करने के लिए ही वेयर करते हैं, सिर्फ
शूट किया ताकि हमारी जो पिक्चर है ना वो चमके और हम आपको सुंदर दिखाई लगे, नहीं तो लाइट कपड़े डालेंगे उसमें पिक्चर जो कैमरा है वो लेता नहीं है। शुक्र क्या है, शुक्र है सुंदर, वो सुंदर तभी बनाता है अगर आपने डार्क कपड़े, कई दफ़ा देखा होगा फिल्मों में देखा कैसे कैसे जो डार्क डार्क कलर करके डालते हैं, रेड कलर डाल लिया, कुछ कलर डाल दिया, पिक्चरों में कितना अच्छा लगता है, लेकिन आम डाल के देखिए लोग क्या कहते हैं, यार क्या डाला हुआ है इसने। इसलिए जो कैमरा होता है शुक्र का होता है, इसमें डार्क कलर अच्छे लगते हैं तो हम सुंदर दिखाई देते हैं। ये डायरेक्टर कहता है आप ऐसे मत किया करो, लाइट कपड़े मत डाला करो, कैमरे के आगे जब भी आपने आना है तो डार्क कपड़े डाल के आना है। इसलिए हम ब्लैक ब्लू ग्रीन कोट कुछ भी डाल लेते हैं, लेकिन हमारे ये शूटिंग के लिए हमारा खर्चा बहुत होता है, शूटिंग के लिए हमारे अलग कपड़े होते हैं और रहने के लिए जो हम डेली करते हैं वो अलग होते हैं। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, हम जो ग्रीन कलर है नहीं बिल्कुल पहनते, कभी किसी ने ग्रीन ब्लैक और ब्लू कपड़ा नहीं पहनना। हाँ, अगर आपने कोट जैकेट वगैरह ग्रीन ब्लैक ब्लू पहन सकते हो, अगर नीचे वाइट कलर डाला हुआ है तन के साथ जो टच नहीं करता, बहुत ध्यान सुनिए, अगर तन के साथ अगर आपका ग्रीन कलर और ब्लैक कलर टच कर रहा है तो नहीं डालना। हाँ, ट्राउज़र वगैरह पेंट जीन्स आप डाल सकते हो, क्योंकि जो नीचे का पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है शनि का, नीचे का पार्ट होता है गुरु का, अपर का पार्ट सूर्य का, चंद्र का, बुध का, हमारे मंगल का, शुक्र का, ये इनके पार्ट होते हैं, ये डार्क कलर नहीं लेते, इसलिए इनके लिए लाइट कलर रहोगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ के लिए लाइट कपड़े डालने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो इंसान कहते हैं कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त रहूं, तो वो कभी ज़िंदगी में डार्क कपड़े मत पहनिए, वो ज़िंदगी भर तंदुरुस्त रहेंगे। लेकिन तंदुरुस्त रहने के लिए पैकड़ चीज़ें मत खाइए, और जो नेचुरल चीज़ होती है वो खाइए, अनाज और का थोड़ा सा परहेज़ कम कीजिए, अनाज एक टाइम ही खाना चाहिए, रोटी एक टाइम ही खाना चाहिए, फल फ्रूट सब्जियां जितनी खाओगे आपकी हेल्थ के लिए अच्छी रहेगी। तो धनु लगन तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, गर्म चीज़ें गर्म होता है, तो उनके लिए तो वैसे ही आपको क्या करना चाहिए, फल फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए धनु लगन के लिए, क्योंकि ध्यान में अगर आपने लगना है, क्योंकि मैं आप पहले सबको ये समझा दूं, पंचम हाउस में भी अग्नि राशि है और नौवें हाउस में भी अग्नि राशि है और लग्न में भी अग्नि राशि है। ये जितनी सोभर चीज़ें खाएंगे उतना भगवान को जल्दी डालेंगे, उतना पाएंगे और अपनी तंदुरुस्ती रखेंगे, क्योंकि अग्नि राशि अगर अग्नि चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाएंगे तो ऐसे बंदे बीमार ही रहते, खासकर धनु लगन वाले, बहुत ध्यान से सुनिए, धनु लगन वालों को सिंपल सोबर चीज़ें खानी चाहिए, स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, फल फ्रूट जितना सलाद ये खाएंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेंगे। जी प्रोफेसर साहब, धनु लगन गुरु का लगन है, लेकिन फिर भी इतना नेगेटिव क्यों रहता है? धनु लगन नेगेटिव क्यों रहता है, उसकी सोच नेगेटिव क्यों है, बहुत ध्यान से सुनिए, सोच का जो घर होता है वो होता है हमारा 12वां घर, जिसे हम सोचे सोचते सपने लेते हैं, और इच्छाओं की पूर्ति का होता है 11वां घर। तो 11वें घर में शुक्र की राशि दुश्मन की राशि पड़ी है, तो 12वें घर में मंगल की खराब राशि पड़ी है वृश्चिक। मंगल की एक नेक राशि होती है, हर ग्रह की एक अच्छी राशि होती है एक बुरी राशि होती है, इसी तरीके से मंगल की खराब राशि होती है 12वें घर में, तो सोच के जैसे कि 11वें घर में शुक्र की राशि इसका दुश्मन होता है, इसलिए ज़्यादातर ये नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव सोच नहीं पाते। इनको क्या करना चाहिए, माथे पे सफ़ेद चंद्र का तिलक लगाने से आपका शुक्र और शनि और चंद्र ये तीनों ग्रह ठीक हो जाते हैं। ज़्यादातर इनको सफ़ेद चंद्र का तिलक लगाना चाहिए, केसर का तिलक बिल्कुल भी नहीं, हल्दी और केसर का तिलक बिल्कुल नहीं लगाना, धनु लगन ने कभी नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि दूसरा घर होता है माथे का, अगर धनु लगन के लोग माथे पे तिलक लगाएंगे तो वो बदनाम हो जाएंगे। जैसे कोई पुजारी पंडित अगर उसका धनु लगन है, अगर वो माथे पे पीले रंग का तिलक लगाता है तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते। ये देखिए बहुत बातों में बात भीतर मेरे ऐसे आ गई, वो मैंने आपको जवाब दे दिया, कभी ज़िंदगी में केसर का तिलक नहीं लगाना धनु लगन वालों ने, अगर लगाना है तो सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, दूध का तिलक लगाएं, इससे धनु लगन का मन शांत रहता है, नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, नेगेटिव बातें सोचनी बंद कर देता है अगर वो माथे पे सफ़ेद चंदन का तिलक लगाए तो। प्रोफेसर, अभी आपने धनु लगन के बारे में बताया, कुछ अच्छा बताया, ज़्यादा बुरा बताया। जी नहीं शेफाली जी, धनु लगन अच्छा है, ऐसा नहीं है, धनु लगन बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु का लगन है, मैं गुरु को मानता हूँ, मैं गुरु का भक्त हूँ भोले शंकर का, इसलिए धनु लगन बहुत अच्छा है, लेकिन बुरा नहीं, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई भी घर बुरा नहीं होता, कोई भी घर
अच्छा नहीं होता। बहुत ध्यान से सुनिए जो मेरी बात, जो मैंने बोलने वाला हूँ। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान है जो बुरा नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो अच्छा नहीं है। इसका ये मतलब है पूरी दुनिया में इक्वल एक फेंगशुई का निशान है। बहुत ध्यान से सुनिए, फेंगशुई का निशान है, गोल है, गोल में एक क्रॉस दिया, बीच में निशान दिया, एस बनाया गया, एक एस को पूरा काला किया गया, काले में सफ़ेद तिलक लगा रखा है, एक तिलक इसमें पूरा सफ़ेद किया उसमें काला तिलक लगाया रखा है। यानी कि अगर पूरी दुनिया में अच्छा इंसान है तो उसमें एक बुरा इंसान भी है, अगर पूरी दुनिया में बुरे इंसान में उसमें एक अच्छा इंसान भी है। इसलिए पूरी दुनिया इक्वल है, कोई भी ग्रह अच्छा नहीं होता, कोई भी ग्रह बुरा नहीं होता, कोई भी लग्न अच्छा नहीं होता, कोई भी ग्रह लग्न बुरा नहीं होता। अगर धनु लग्न बहुत अच्छा हो जाए तो ऐसे बंदों को घमंड आ जाता है। तो इसलिए भगवान ने राशियां उसी तरीके से बनाई, क्योंकि सबसे अगर अच्छे लग्न की बात करूं तो सबसे बढ़िया लग्न कौन सा होता है बता दो मुझे। अगर बढ़िया लग्न की बात करूं तो मैं सबको बोलता हूं गुरु के लग्न अच्छे होते हैं। कैसे? 1, 5, 9 लग्न सभी अच्छे हैं, क्योंकि ये इससे अच्छा लगन नहीं होते। क्यों? क्योंकि 1 नंबर से शुरू हुआ मंगल का लगन बहुत अच्छा है, किस्मत वाले होते हैं। 5 नंबर सिंह लगन से शुरू हुआ और सूर्य का लगन, इससे अच्छा क्या हो सकता है। धनु लगन से शुरू हुआ गुरु का लगन, इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये तो आ गए अच्छे लगन की बात। अगर अमीरी वाले लगन देखूं तो राक्षस जाति वाले लगन अच्छे होते हैं। जो इंसान राक्षस जाति के लगन लेके बैठे हुए हैं वो बंदे बहुत अमीर होते हैं। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, ऐसे कई दफ़ा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लगन गरीबी वाला है या अमीरी वाला। ये नहीं कि राक्षस जाति वाले बंदे अमीर होते, नेवर। उसके घर देखिए, अगर उस राक्षस जाति वाले ग्रहों में देव जाति वाले ग्रह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो वो राजा है। देखो राजा किसने बनाया? देव जाति वाले लग्नों ने, उनकी राशियों ने, उनके ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। राक्षस जाति का लगन लेके बैठा था लेकिन देव जाति के ग्रह उसमें बहुत अच्छे थे तभी वो अमीर बना। अकेला राक्षस जाति वाले लगन लेकर बैठ के बंदा अमीर नहीं होता। देखिए त्रिकोण हमेशा ही अच्छी होती है, कोई भी घर अच्छा नहीं होता शिवाली जी, कोई भी घर बुरा नहीं होता। जी जी प्रोफेसर, मैं तो अभी मेरी तो अभी आधी बात ही थी, आपने पूरा टॉपिक ही उठा दिया, तो अच्छी बात है। मतलब ज्योतिषी भी ऐसा ही होना चाहिए ना कि मन की बातें जान ले। तो प्रोफेसर ऐसे लोग धनु लगन के लोग अगर सर्विस करते हैं तो उसमें तरक्की कैसे पा सकते हैं? अगर बिजनेस कर सकते हैं तो कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा तरक्की मिले इनको? अगर सर्विस करते हैं तो तरक्की कैसे पा सकते हैं? सर्विस के लिए मैं आप सबको ये समझा दूँ, सर्विस के लिए वो बातों से पैसा कमाते हैं। अगर वो सर्विस करते हैं तो उसको क्या करना चाहिए कि जिसको कोई ऐसी जॉब करनी चाहिए जिसमें लोगों को सलाह देनी चाहिए, जिसमें लोगों को गाइड किया जाए। अगर वो सर्विस करते हैं तो उसमें तरक्की करते हैं बहुत ज़्यादा, अगर वो किसी को लोगों को गाइड करते हैं। क्योंकि 2 नंबर दूसरे घर में शनि की राशि आती है तो शनि समझदार है, इसलिए जब वो बोलते हैं दूसरों को कड़वा, वो अलग बात है बोलने से कड़वा लगते हैं लेकिन लोग उनकी बातें सुनते हैं। बहुत ध्यान से सुने, धनु लगन के लोगों की बातें लोग सुनते हैं। दूसरे घर में शनि की राशि आती है तो इसलिए किसी को गाइड करें, अगर वो सर्विस ऐसी ले गाइड करने वाली तो उसमें कामयाब हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि वो अगर बिजनेस किया जाए तो कौन सा किया जाए। बिजनेस वो कर सकते हैं जैसे कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का टेंडर ले सकते हैं, जैसे ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। ट्रेडिंग का काम कर सकते हैं, जैसे कि चाइना से माल लिया, कहीं से माल लिया और कहीं पे दिया, ये ट्रेडिंग। बहुत बड़े बिल्डर बन सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। और धनु लगन के लोग अगर वो शुक्र के साथ काम करें जैसे कि कॉस्मेटिक ऐसा इधर ऐसा काम करें तो वो भी कामयाब हो जाते हैं। ब्यूटी से लेकर काम करें तो वो भी कामयाब। वो क्यों? क्योंकि शुक्र की राशि छठे हाउस में पड़ी हुई है, होती है। तो छठे हाउस में जो शुक्र की राशि है, छठा हाउस किसका होता है? कर्म का, भाग्य का। कर्म को भाग्य को जगाने वाला, कर्म का भाग्य कौन जगाएगा? छठा हाउस। तो भाग्य कैसे जागेगा? जब वो काम करेगा। तो कर्म का लाभ पंचम हाउस बनता है। कर्म का पंचम हाउस कौन सा बनता है? आपका धन स्थान। तो जैसे धन स्थान में राशि मकर की आ गई तो शनि का काम कर सकते हैं, छठे हाउस में राशि आती है तो शुक्र का काम कर सकते हैं। अब देखना पड़ेगा उनका ग्रह कौन कौन से बैठे हैं, ग्रहों के मुताबिक अगर वो काम करते हैं तो उनका काम ज़्यादा अच्छा चलता है। मैं हर बात को लॉजिक और साइंटिफिक रीजन के साथ इसलिए करता हूँ, पूरी दुनिया में ये ना कोई इंसान कहे कि ज्योतिष बिना लॉजिक के, बिना साइंटिफिक रीजन के साथ है, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं पूरी दुनिया में इंसान को बात करूं, ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है जो ज्योतिष कहता है मैं नहीं मानता, लेकिन वो चलता उसी के मुताबिक ही है।
देखिए बहुत ध्यान सुनिए, कोई भी पूरी दुनिया में ऐसा इंसान नहीं है जो ज्योतिष के मुताबिक नहीं चलता, चाहे वो भगवान चलाए चाहे वो खुद चले, लेकिन ज्योतिष आपके घर घर में है, हर बात में है। जब कोई भी खाना खाते हो तो भी ज्योतिष के मुताबिक, देखिए डाइनिंग टेबल पे खाना खाना चाहिए तो ज़्यादातर 90% लोग डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाते हैं, ये भी एक ज्योतिष है। मेरी बहुत सी बातें हैं जिसके पीछे आधार और साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन पीछे से इशारा आ रहा है, सिर्फ 4-5 मिनट रह गए हैं और शिवाली जी के क्वेश्चन में भी पड़ी है। जी जी प्रोफेसर, अभी बातों बातों में बात याद आ रही है, तो कहते हैं ना ज्योतिष थोड़ी सी अंदर से आपके साथ बैठे बैठे थोड़ा सा ज्ञान हो गया। अभी आपने बात की कि छठे हाउस में राशि आती है शुक्र की, तो कुछ ज्योतिषी ऐसा भी बोलते हैं कि इन लोगों को हेयर कट नहीं करवाना चाहिए, क्या ऐसा होता है? शेफाली जी मैं आपको ये समझा दूँ कि जब कभी शुक्र छठे हाउस में आ जाता है तो अगर कहीं मंगल का प्रभाव छठे हाउस में पड़ रहा हो तो कटिंग नहीं करवानी चाहिए, राशि से कटिंग का कोई लेना देना नहीं। ये बात बहुत ध्यान सुनिए, सब के लिए है। अगर कहीं छठे हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, अगर मंगल का प्रभाव छठे हाउस में पड़ रहा है साथ में, यानी सप्तम की दृष्टि से, चौथी दृष्टि से, अगर कहीं अष्टम दृष्टि से मंगल देख रहा है छठे हाउस को, शुक्र को देख रहा है, तो कटिंग नहीं करवानी चाहिए। मंगल और शुक्र का मेल हो जाए तो कटिंग नहीं करवानी चाहिए। ये देखिए बहुत सारी बातें हैं, बातों बातों में जब बात चलती है तो नहीं कटे, ऐसे नहीं कि शुक्र की राशि पड़ी तो कटिंग करवा रहे, वो बातों उन्होंने कहीं से पढ़ ली। जी नहीं जी, नहीं जी प्रोफेसर, ऐसा बोलते हैं कि अगर शुक्र की राशि पड़ी है छठे हाउस में, अगर हेयर कट करवाते हैं तो बदनामी हो जाती है, ऐसा होता है? शेफाली जी बिल्कुल नहीं होता बदनामी। बदनामी का घर पहले देखिए कौन सा है, ये लाल किताब की बातें हैं, ये कड़ी कड़ाई बातें हैं, थोड़ी किसी से एक से देख लिया, दो देख लिया, चारों पांचों में बताया, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, कोई आधार नहीं है, लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं उसके पीछे साइंटिफिक रीजन और आधार भी है। मैं आपको बताता हूं, शुक्र छठे में आ जाए, पाताल में शुक्र आ जाए, कहते हैं शुक्र क्या होता है, हमारा शरीर, हमारा शरीर शुक्र, जैसे हमारा मांस है ये शुक्र है, अगर शुक्र छठे में आ जाए आप जमीन पे नंगे सोते हो तो बदनामी होगी। बहुत ध्यान सुनिए, अगर आप नंगे पांव चलते हो तो बदनामी होगी। मैं हर बात को साइंटिफिक रीजन से लेता हूं। अगर मंगल भी साथ में आ गया तो दो मैरिजों का योग बनाता है, बदनामी डबल देता है। मंगल क्या है, 17-18 साल का लड़का, और शुक्र क्या है, 16 साल की लड़की, अगर दोनों इकट्ठे बैठते वहां पे बदनामी होती है। दो कभी कभी दो मैरिजों का योग भी बन जाता है, बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन वहां पे ये भी देखना पड़ेगा राशि कौन सी है, कौन सा ग्रह बुरा देख रहा है, राहु का प्रभाव अगर पड़ रहा है तो दो शादियों का योग है, अगर कहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है तो ऐसा कभी नहीं होगा, गुरु का प्रभाव पड़ रहा है तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, वो देखना पड़ेगा। राशि नक्षत्र जब तक नहीं देखता, साइंटिफिक रीजन नहीं होता, तब तक ये लाल किताब की बातें मैं नहीं मानता। जी प्रोफेसर, आज आपने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि धनु लगन के व्यक्ति कैसे कामयाब हो सकते हैं, कैसे वो अपना मुंह बंद करके अगर किसी को जवाब ना दे तो वो तरक्की करते हैं, तो बहुत अच्छा इन्होंने बता दिया, क्योंकि ऐसी बातें ना ही कभी किताबों में आपको कभी पढ़ने को मिलेगी, ना ही कभी सुनने को कहीं से मिलेगी, क्योंकि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब की जो बातें हैं वो बहुत ही बहुत गहरी हैं, बहुत वो रिसर्च करते रहते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं, रिसर्च कर करके मुझे लगता है कि एक बुक वो निकालेंगे ज़रूर हमारे लिए, कि ताकि हम घर बैठे ही ज्योतिषी बन जाएं, कभी किसी के पास आधी अधूरी जानकारी ना लेके आए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है बहुत ख़राब होती है, हम आधा ज्ञान लेके हम बातें करने लग जाते हैं कि ऐसा होता है ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इनके पास हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का सलूशन है। अगर आप भी किसी समस्या में जूझ रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप हमें यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल पर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।